Hi everyone, welcome to Viplavi Kacha. This is second part of butt weld. और आज हम इसमें शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ द बट वेल्ड से. ओके, तो यहाँ से हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड. बट वेल्ड क्या होता है? जब दो सेक्शन को सेम प्लेन में हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बट वेल्ड कहते हैं. इस फेस को, इस दोनों मेंबर के इस फेस को कहते हैं हम फ्यूजन फेस. इस फेस को कहते हैं फ्यूजन फेस. और इसे जो एडिशनल थिकनेस है इस रिइंफोर्स प्लेट से ऊपर, इसको कहते हैं रिइंफोर्समेंट. रिइंफोर्समेंट. ओके, अब यहाँ से देखना हम शुरू करते हैं. A square butt weld is provided for section up to 8 mm thickness only. A square butt weld हम जब provide करेंगे, जब उसका thickness 8 mm हो या उससे कम हो, तब square butt weld provide करेंगे. यदि 8 mm से ज़्यादा thickness आता है तो हम use करते हैं single UV और double UV butt weld हम provide करेंगे, तब square butt weld provide नहीं करेंगे. Butt weld mainly design किया जाता है डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन के लिए, और कभी कभी हम इसको सीयर के लिए भी डिज़ाइन कर लेते हैं, तो फॉर एंड ओकेजनली फॉर द सीयर ऑल्सो. नाउ सिंस ए बट वेल्ड इन्वॉल्व्स नो एब्रप्ट चेंज इन द सेक्शन एट द जॉइंट, इस बट वेल्ड में सेक्शन में एब्रप्ट चेंज नहीं आता है, इसके कारण ये मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वेल्ड है फॉर ट्रांसमिटिंग द अल्टरनेट स्ट्रेस. तो फ्रॉम हेयर वी कैन से डैट it is the most suitable form of weld for transmitting the alternating stresses. ab butt weld ke specifications ke bare mein baat kar lete hain yahan se. specification number first jo hai hamara wo hai size. to generally jo butt weld ka size hai wo specify kiya jata hai throat dimension se, jisko ki effective throat thickness bhi kehte hain. effective throat thickness. और ये इफेक्टिव थ्रॉट का जो थिकनेस है ये पार्शियल पेनिट्रेशन या फुल पेनिट्रेशन का हो सकता है. मीन्स कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो फिगर हम देखे हैं ये फुल्ली पेनिट्रेट भी कर सकता है या हाफ पेनिट्रेशन का भी हो सकता है. ये फुल पेनिट्रेशन है. ओके, अब यहाँ से देखते हैं. पार्शियल पेनिट्रेशन इज जनरली नॉट प्रीफर, और जो पार्शियल पेनिट्रेशन है जनरली इसको प्रीफर नहीं किया जाता है. ओके, कंप्लीट पेनिट्रेशन इज डिफ़िकल्ट इन द केस ऑफ सिंगल यू वी जे और बेवल जॉइंट. कंप्लीट पेनिट्रेशन जो है इस केस में सिंगल यू वी और जे के केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे कि अगर हम यहाँ से देखना चाहें, ये एक मेरा मेंबर है और ये दूसरा हमारा एक मेंबर है. एक ये दूसरा हमारा प्लेट है. ओके, और हम इसमें एक यू, सिंगल यू जॉइंट प्रोवाइड करना चाहते हैं. इसके लिए हम इसमें ग्रूविंग करेंगे यू शेप का ग्रूविंग करेंगे, और हम यहाँ से रिइंफोर्समेंट डालना शुरू करते हैं. तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है. ये नीचे में मेंबर का जो थिकनेस है ये थोड़ा बच जाता है. तो सिंगल यू हो चाहे वी हो चाहे जे हो, इसमें कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है. नाउ नोट, एक पॉइंट इसका ये है, अब इसमें इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या लेंगे हम. तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस डिपेंड करता है कंडीशन पे. कंडीशन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. जब कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा बट वेल का, तब इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होगा वो थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर के इक्वल होगा. दो मेंबर जो कनेक्ट होगा उस दोनों मेंबर में जो थिनर मेंबर होगा, पतला वाला मेंबर होगा, वो हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा. लेकिन बट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, लेकिन जब पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट हो तब जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आएगा हमारा वो 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर. थिनर मेंबर का जो थिकनेस होगा उसका 7/8 आएगा, 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर. लेकिन
स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में हम स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं 5/8, यहाँ एक्चुअल में आता है 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ हम जो यूज़ करते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस वो 5/8 द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ओके, तो ये था हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। अब है नंबर दूसरा जो स्पेसिफिकेशन है वो है इफेक्टिव एरिया। अब यहाँ से इफेक्टिव एरिया क्या होता है, तो इफेक्टिव एरिया विल बी इक्वल टू द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, जितना उसका थ्रॉट थिकनेस होगा और उसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो हो जाएगा उसका इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया को ए से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को टी और इफेक्टिव लेंथ को एल डब्ल्यू से। अगर हम इसको देखना चाहें इफेक्टिव लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारा मेंबर है और एक यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं इफेक्टिव लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम इसको बाद में समझाए हैं लेकिन अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक दूसरा मेंबर है। अब क्या होता है कि वेल्डिंग जो होता है वो थोड़ा इस टाइप का होता है, ओके तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक्चुअल लेंथ तो इसका ये है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया। बट ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्चुअल लेंथ हो गया, तो यही जो इफेक्टिव लेंथ है ये यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो थ्रॉट डायमेंशन का एटलीस्ट 10% ग्रेटर होता है, 10% ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल। जो वेल्डिंग मटेरियल करते हैं उसके थिकनेस से 10% ज़्यादा थिकर रहता है। अब रिइंफोर्समेंट का क्या काम है, तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है, तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। और इस रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको कैलकुलेशन में अकाउंट नहीं करते हैं, मतलब कैलकुलेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन। नाउ रिइंफोर्समेंट मेक्स द बट वेल्ड स्ट्रॉन्गर फॉर स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड के लिए ये रिइंफोर्समेंट जो है इसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, जब मेंबर पे स्टैटिक लोड लग रहा हो, मतलब मूविंग लोड ना हो, एक स्टेशनरी लोड हो। हाउएवर इन द केस ऑफ वाइब्रेशन एंड डायनेमिक लोड, लेकिन जब स्ट्रक्चर पे वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए या डायनेमिक लोड आना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें ब्रिज में, तो ब्रिज में वाइब्रेशन भी हो सकता है और डायनेमिक लोड भी आ सकता है, उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन अकर्स इन द रिइंफोर्समेंट लीडिंग टू द अर्ली फेल्योर ऑफ वेल्ड। वो रिइंफोर्समेंट जो होता है एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि हमने आपको पहले समझाया, उसमें स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होने लगता है, तो रिइंफोर्समेंट लीडिंग टू द अर्ली फेल्योर, स्ट्रेस का यहाँ से कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है उस रिइंफोर्समेंट में। इसलिए वैसे लोकेशन पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ जो प्रोवाइड करते हैं वो सिंपल फ्लश कर देते हैं उस वेल्ड को। वेल्ड इज मेड फ्लश, फ्लश मीन्स एकदम चपटा कर देते हैं विद द पेरेंट मेटल के थिकनेस के बराबर कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ फॉर द बट वेल। अब यहाँ से बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल। बट वेल का डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो सकता है यहाँ से, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन इज गिवन बाय, या तो टेंशन हो या कंप्रेशन हो, इसको डिनोट किया जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड TDW, ओके विल बी इक्वल टू यहाँ से परमिसेबल यील्ड स्ट्रेस, यहाँ से बात करते हैं FY बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा MW इनटू इफेक्टिव एरिया A। तो ये हमारा हो जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर द बट वेल्ड आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन। अब यहाँ बात करते हैं FY क्या है, गामा MW क्या है और AE क्या है।
यहाँ से एफ वाई जो है वो है स्मॉलर ऑफ दीज टू थिंग्स, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, जो वेल्ड है उसका यील्ड स्ट्रेंथ, या जो पेरेंट मटेरियल जो कि कनेक्ट करते हैं उसका यील्ड स्ट्रेंथ, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा एफ वाई कंसिडर करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड मटेरियल और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मटेरियल, इस दोनों में जो स्मॉलर होगा वो उसको हमको कंसिडर करना। ए इज़ द इफेक्टिव एरिया, और इफेक्टिव एरिया जो इक्वल टू होता है वो इफेक्टिव लेंथ इंटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के इक्वल होता है। एल डब्ल्यू है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड एंड टी इज द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, और गामा एम डब्ल्यू जो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द वेल्ड मटेरियल, यहाँ जो वेल्ड मटेरियल के लिए है उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ओके अब डिज़ाइन, यहाँ से बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन सीयर, वो तो था एक्सियल, अभी जो बात की है हम लोग वो था एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन में, अब यहाँ से बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन सीयर में। तो ये जो होता है सीयर में इसको डिनोट किया जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड को भी डी डब्ल्यू से ही डिनोट किया जाता है, विल बी इक्वल टू एफ वाई डब्ल्यू वन लेते हैं। अब एफ वाई डब्ल्यू वन को देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है, और यहाँ से इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया मीन्स इफेक्टिव लेंथ इंटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को डिनोट किए हैं टी ई से, और डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा गामा एम डब्ल्यू फॉर द वेल्डेड मटेरियल। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं इस फॉर्मूले को, और एफ वाई डब्ल्यू जो है स्मॉलर होना चाहिए किस किस दोनों के बीच, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मटेरियल, ये सीयर है तो सीयर में हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वो यील्ड स्ट्रेंथ का 75% देता है, मतलब वन थर्ड। तो ये है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट मटेरियल, जो इसमें से मिनिमम हो उसको हम कंसीडर करते हैं एफ वाई डब्ल्यू वन। प्रोसीजर फॉर द डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड, बट वेल्ड डिज़ाइन करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, तो नंबर फर्स्ट जो हमारा यहाँ प्रोसीजर शुरू होता है वो है कि अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन है बट वेल्ड का, इन द केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ बट वेल्ड देर इज़ नो नीड हैव डिज़ाइन कैलकुलेशन, उस केस में कोई डिज़ाइन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड फॉर द डिज़ाइन कैलकुलेशन एज द स्ट्रेंथ, क्यों डिज़ाइन कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड है एट द जॉइंट, जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जो होता है इक्वल होता है इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर कनेक्टेड, जो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इस केस में हम डिज़ाइन या कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेप नंबर टू में करते हैं, यदि कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, मतलब कि पार्शियल पेनिट्रेशन है, तो उस केस में क्या होगा, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकाला जाता है कंप्यूटेड एंड रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ इज डिटरमिन्ड, और जितना रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ है उसको निकाला जाता है टू फर्निश द स्ट्रेंथ इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर कनेक्टेड, और जितना उसको इक्वल टू किया जाता है, बराबर किया जाता है जितना स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर है उसके, और तब कितना इफेक्टिव लेंथ लगेगा उसको निकाला जाता है। ओके और स्टेप नंबर थ्री है हमारा, द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज कंप्यूटेड एज पर इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का मतलब जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बट वेल्ड था इन कंप्रेशन एंड टेंशन, उस इक्वेशन के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के अनुसार हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका स्ट्रेंथ इस इक्वेशन के अनुसार। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो ये था हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फिलेट वेल्ड यहाँ से शुरू करते हैं। तो फिलेट वेल्ड क्या है,
फिलेट वेल्ड कब प्रोवाइड करते हैं? जब दो मेंबर को डिफरेंट प्लेन में ज्वाइन करना हो, व्हेन द टू मेंबर्स टू बी ज्वाइंटेड इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन में ज्वाइन करना हो। और ये फिलेट वेल्ड जो होता है टेंशन में स्ट्रांग होता है, मतलब स्ट्रांग इन टेंशन, बट लेकिन ये सीयर में वीक होता है, वीक इन द सीयर। और फिलेट वेल्ड ऑलवेज एज्यूम टू रजिस्टर द लोड बाई सीयरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट, मतलब कि इसके हमेशा एज्यूम किया जाता है फिलेट वेल में कि इसमें जो लोड रजिस्ट किया जाता है वो एज्यूम किया जाता है कि उसके थ्रॉट के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। अब थ्रॉट क्यों लेते हैं? क्योंकि थ्रॉट पे जो एरिया आता है वो मिनिमम एरिया आता है, तो मिनिमम एरिया आएगा तो स्ट्रेस का हम लोग फॉर्मूला यहाँ से क्या जानते हैं, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड अपन एरिया। यदि एरिया को हम मिनिमम रखते हैं, मतलब कम रखते हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए उसको क्रिटिकल लेते हैं, जो थ्रॉट का एरिया है उसको क्रिटिकल एरिया कंसीडर करते हैं और उससे सभी कैलकुलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं, ये हमारा हो गया फिलेट वेल्ड, ये और ये हो गया हमारा फिलेट वेल्ड, ओके ये फिलेट वेल्ड हो गया और ये दो डिफरेंट प्लेन में ये ज्वाइंट किए हुए हैं। अब यहाँ से हम ये बात करते हैं कि ये हमारा, यहाँ से अगर इसको बात करें, इसमें तो ये रिइंफोर्समेंट, यहाँ इतना दूर तो रिइंफोर्समेंट रहता है, लेकिन रिइंफोर्समेंट को डिज़ाइन में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जैसे कि ये हमारा रिइंफोर्समेंट था, लेकिन इस रिइंफोर्समेंट को हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, इसमें ये जो साइड है, इस दोनों साइड को कहते हैं साइड ऑफ द फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, और ये भी हो गया हमारा साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। और ये जो येलो कलर का लाइन है ये हमारा है थ्रॉट, इसको कहते हैं हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, TE, थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हो गया, ओके। अब फिलेट वेल्ड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, तो साइज जो था फिलेट वेल्ड का वो था लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिनोटेड एज द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ओके। तो यही था हमारा साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड S। और यहाँ से बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बारे में बात करेंगे अब यहाँ से, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, ओके। अब ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे, जो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे, मतलब जो मोटा प्लेट होगा उस पर डिपेंड करेगा। यदि थिकनेस ऑफ प्लेट 0 to 10 mm है तो मिनिमम साइज जो हो जाएगा S मिनिमम वो 3 mm हो जाएगा, वो हमारा 3 mm हो जाएगा। इफ प्लेट थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट यदि 11 to 20 mm है तो उसका थिकनेस 5 mm हो जाएगा मिनिमम साइज। यदि थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 21 to 32 के बीच है, mm के बीच है, तो मिनिमम साइज विल बी 6 mm। एंड इफ द थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट इज ग्रेटर देन 32 mm देन द मिनिमम साइज विल बी 8 mm। तो ये था हमारा मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। अब इसी को अगर हम मैक्सिमम साइज देखें, ये सब कोड का प्रोविजन है, डिजाइन में इसको यूज करते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल डिपेंड करता है किस पे, तो ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, जबकि मिनिमम साइज जो था वो डिपेंड कर रहा था थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट पे, ये जो मैक्सिमम साइज है वो थिनर प्लेट पे डिपेंड करेगा। अब इसमें दो केस आता है, यदि स्क्वायर एज है तो उस केस में थिकनेस ऑफ द सॉरी मिनिमम साइज जो हो जाएगा, मैक्सिमम साइज जो हो जाएगा एस मैक्स वो हो जाएगा टी मिनिमम, मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर माइनस 1.5 mm डिडक्ट कर देंगे यहाँ से, ये हमारा स्क्वायर एज हो गया। लेकिन इसी के केस में अगर हमारा राउंडेड एज रहता, जैसे कि एंगल
सेक्शन के केस में हमारा यहाँ राउंडेड एज मिलता है। तो इस केस में जो हम मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड एस मैक्स यूज कर सकते हैं वो मैक्सिमम 3/4 ऑफ द टी मिनिमम। टी मिनिमम इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। ओके, तो ये था हमारा कुछ कि हम कितना मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से थ्रॉट ऑफ द फिलेट वेल, थ्रॉट क्या था? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था किसके किसके बीच, राइट एंगल ट्राइंगल कॉर्नर के बीच एंड टू द हाइपोटेनस के बीच। ये अगर हम बात करें यहाँ से तो ये थ्रॉट थिकनेस हमारा कुछ इस प्रकार से था। ये था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें हमारा थ्रॉट, इसमें हमारा थ्रॉट, ये था हमारा थ्रॉट थिकनेस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर से हाइपोटेनस के बीच जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम लोग थ्रॉट थिकनेस। ओके, अब थ्रॉट थिकनेस कितना होता है? तो के इंटू साइज ऑफ वेल्ड। अब के है कॉन्स्टेंट जो डिपेंड करता है फ्यूजन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बीच। के कॉन्स्टेंट है जो कि डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस के बीच। अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से, यदि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस 60 से 90 के बीच है तो इसका वैल्यू पॉइंट, कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0.7 होता है। और यदि 91 से 100 के बीच है तो ये 0.65 हो जाता है। यदि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस 101 से 106 डिग्री के बीच है तो ये 0.6 हो जाता है, यहाँ 0.5 घटते जाएगा। और यदि 107 से 113 के बीच है तो ये 0.55 हो जाएगा, और 114 से 120 के बीच है तो ये 0.5 हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 0.55 घटते जा रहा है। ओके, सॉरी 0.05, 0.05 कितना घट रहा है? जैसे अगर हम बात करें 0.7 से अगर 0.65 घटाए तो ये 0.05 घट रहा है, सॉरी 0.5 ने 0.05 घट रहा है प्रत्येक में। ओके, अब यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस जो हो सकता है मैक्सिमम 60 से 120 डिग्री तक लाई कर सकता है। इसी रेंज में रहना चाहिए एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, ये कोड का प्रोविजन है। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल क्या कहता है? जैसे कि हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये हमारा कुछ एक्चुअल लेंथ ऑफ द फिलेट वेल था। एक्चुअली हमने यहाँ तक वर्कशॉप में वेल्डिंग किया, लेकिन हम डिज़ाइन कैलकुलेशन में यहाँ से इफेक्टिव लेंथ ही लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ ही लेते हैं। ये हमारा इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव, और ये हमारा एल एक्चुअल लेंथ है। तो वही है एल इफेक्टिव जो होता है एल माइनस टू इंटू साइज ऑफ वेल्ड होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पूरा एल इफेक्टिव जो होगा इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ माइनस टू इंटू द साइज ऑफ वेल्ड होगा। अब एंड रिटर्न, एंड रिटर्न जो है वो क्या होता है? तो एंड रिटर्न इसको कहते हैं हम यहाँ से, ये वेल्ड करते 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 यहाँ पहुँचे, और ये जो रिटर्निंग पोर्शन है इसको कहते हैं एंड रिटर्न। तो ये जो एंड रिटर्न है इसका एक वैल्यू है, ये कोड कहता है कि एंड रिटर्न विल नॉट बी लेस देन 2 इंटू द साइज ऑफ वेल्ड, दो गुने साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ वेल्ड। ओके, तो 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड से एंड रिटर्न कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं ओवरलैप के बारे में। तो ये हमारा एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है, ये जो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप किया है उसी को कहते हैं हम ओवरलैप लेंथ। और ये ओवरलैप लेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी इसका भी कोडल प्रोविजन दिया हुआ है, ये है ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन 4 इंटू टी मिनिमम थिकनेस ऑफ द
थिनर प्लेट टी मिनिमम और 40 mm विच एवर इज मैक्सिमम। इस दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे ओवरलैप कम नहीं होना चाहिए। 4 × T minimum मतलब इस दोनों प्लेट में जो मिनिमम थिकनेस का होगा उसको लेंगे, या 40 mm इस दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा। यदि मान लीजिए कि 4 × T minimum 38 आ गया, तो ये 38 और 40 में कौन मैक्सिमम है, तो 40 मैक्सिमम है, तो 40 से कम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये कोडल प्रोविजन हमारा कहता है। तो ये आज का पूरा लेक्चर था बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड के डिज़ाइन से रिलेटेड। ओके, अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।